मूसलाधार बारिश से सिटी अस्त व्यस्त हुई है, तो वहीं प्रशासन की लचर हालत की पोल खुली हुई है। हुड़केश्वर स्थित गणेश धाम परिसर के कई मकानों में गडर का गंदा मैला पानी पिछले 15 दिनों से घुसा पड़ा है। कुएं में भी गंदा पानी जमा हो चुका है। प्रशासन का नहीं है ध्यान, पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनके गणेश धाम से ग्राउंड रिपोर्ट। पानी का रंग प्रशासन के संग, आइए देखते हैं। शहर में हो रही मूसलाधार बारिश से पूरी सिटी अस्त व्यस्त हो गई है। आसमान में बिजली की कड़क और बादलों की गर्जना दहलाने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में युद्ध चल रहा हो। कानफोड़, कड़कड़ाहट और आतिशबाजी की तरह तेज चमक के साथ बादलों की लगातार गर्जना से सिटी दहक रही थी। तेज आंधी के साथ आई बारिश ने सिटी में लगभग सभी इलाकों में पानी निकासी व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई गलियों में तो घुटनों के ऊपर पानी बह रहा था, तो वहीं कुछ छोटे नाले ओवर फ्लो हो गए हैं और उसका बैक वाटर बस्तियों में लोगों के घरों में घुसा पड़ा है। देर रात तक लोग घरों से पानी निकालने की मशक्कत करते हुए नजर आए। हुड़केश्वर एरिया में तकरीबन 30 घरों में पानी घुटनों तक भर गया है, जिससे अनाज व घर के सामान भीग गए हैं। कुछ घरों में पानी घुसने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। हुड़केश्वर के गणेश धाम परिसर में रहने वाले भोयर परिवार पिछले 15 दिनों से गटर का पानी घरों में घुसने से और कुएं में आने से काफी परेशान है। यहाँ नाला गली से ऊंचा हो गया है। गली का पानी निकालने के लिए जो चैम्बर लगाया गया है वह नीचे है, इसलिए जब नाले का जल स्तर ऊपर होता है तब उसका पानी भी चैम्बर से होकर नली में और फिर घरों में घुस रहा है। ऐसा नजारा हुड़केश्वर गणेश धाम परिसर में दिखाई दे रहा है। इस परिसर के विधायक, पार्षद और मनपा प्रशासन द्वारा कोई भी अच्छा काम नहीं किए जाने से परिसर के नागरिकों को गंदे मैले पानी से सामना करना पड़ रहा है। निस्वार्थ फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सचिन घोड़े इनसे परिसर के नागरिकों ने शिकायत की है। इस मौके पर पीड़ित नागरिकों ने संवाददाता संजय मीरे इनसे अपनी आपबीती बताई। आइए देखते हैं वहाँ के परिसर का हाल वहीं के नागरिकों की जुबानी। पंधरा दिवसापासून आम्ही प्रशासनाला अनेक वेळा अप्लिकेशन केलं, अप्लिकेशन करून सुद्धा ते कोणी इकडे लक्ष देत नाहीये। लोकांच्या घरचं पाणी आमच्या घरात घुसत आहे। तुम्ही बघा, तुम्ही आता कॅमेऱ्यानंतर ग्रहणानंतर तुमच्या लक्षात येईल, अनेक बिमारीला आमंत्रण देत आहे, घरी स्वयंपाक करणे। पंधरा दिन हो गए सर, गटर का पानी लीक हो रहा है हमारे घर में। हमने 3 बार कंप्लेंट की लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। और 2 दिन से तो पूरा घर में पानी है, गंदगी पूरी आ चुकी है। व्यवस्था नहीं है, स्वयं फ्लू सारखे कोरोना सारखे आजार आपल्या आगे आजूबाजूला फिरत आहे आणि प्रशासन झोपलेला आहे। मी आदरणीय आमदार श्री सावकर साहेब, तिथले सर्व नगरसेवक यांना विनंती करतो की लवकरात लवकर तात्काळ याची तुम्ही व्यवस्था करावी। इथली जी गडरलाईन फुटलेली आहे, जे चोक झालेली आहे, यावर तात्काळ याला बदलावी। अनंत जर तुम्ही हे काम केलं नाही तर आम्ही निस्वार्थ अखंडता फाउंडेशन तथा श्री मावळे एकता मंडळच्या वतीने आम्ही तीव्र आंदोलन करू असं तुम्हाला इशारा देतो आहे। कारण की आज आमच्या ह्या पूर्ण कुटुंबाच्या घरात पाणी घुसलेलं आहे, आता पूर्ण गावात पाणी चाललेलं आहे, वस्तीत पाणी चाललेलं आहे। अजूनही फक्त एक नगरसेविका आले होते, लीला अजय हातीपेड, त्यांनी 2 ट्रक पाठवले, त्यांनी प्रयत्न सुद्धा केले, परंतु हा जो प्रॉब्लेम आहे हा फार मोठा झालेला आहे। हा प्रॉब्लेम या चौधरी हॉल पासून तर मोठ्या नदीपर्यंत हे पूर्ण पाईपलाईन काढावं लागते, मोठी टाकावं लागते, त्यानंतर इथला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल, अन्यथा होणार नाही। जर हे जर आपण तात्काळ 8 दिवसाच्या अंदर हे जर काम झालं नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा बीसीएनच्या माध्यमातून तुम्हाला देत आहोत। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम हुड़केश्वर स्थित गणेश धाम के उस परिसर में है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गटर यहाँ के पूरे चौकअप हो चुके हैं, सीवर लाइन पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, उन्हीं का गंदा मैला पानी एक घरों में भी घुसता हुआ नजर आ रहा है। गंदगी का इतना आलम है, यहाँ पे छोटे बड़े कीड़े भी नजर आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू, कोरोना, मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रमित बीमारियां दिन ब दिन पनप रही है और लोगों के घरों में इस तरह से गटर का गंदा मैला पानी भी आ रहा है। आपको हुड़केश्वर स्थित गणेश धाम के उस मकान की बात बताने जा रहे हैं जो मूसलाधार बारिश से शहर के कई जो सीवर लाइन है, गटर है, पूरी तरह से चौक हो चुके हैं। इतना ही नहीं तो गटरों का पानी अब मकानों में भी पहने लगा है, जिसके चलते
यहाँ के जो निवासी है उन्हें अपना जीवन कैसे बिता है, कैसा रोजाना काम काज करे, यह सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। बार बार इन परिसर के लोगों ने प्रशासन को, यहाँ के पार्षदों को, यहाँ के विधायकों को कई ज्ञापन दिए हैं, बावजूद उसके आज भी उसके ऊपर में अमल नहीं हुआ है, जिसके चलते आज पूरा गडर का पानी, मैं जहाँ जिस कमरे में खड़ा हूँ, ये भोर परिवार का मकान है, वहाँ पे सब तरफ गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं, देख सकते हो कि स्वाइन फ्लू, कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रमित बीमारियां दिन ब दिन पनप रही है, बावजूद उसके कि मनपा प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं, शहर के हर घर का हर एक व्यक्ति या पूरा परिवार अस्पताल में नजर आ सकता है। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या मनपा प्रशासन, क्या इस प्रभाव के पार्षद, क्या इस क्षेत्र के विधायक ध्यान देंगे, या फिर ढाक की तीन पात जैसा ही काम होगा, एक देखने वाली बात होगी। गणेशपुरा हुड़केश्वर से संजय मीरे, BCN न्यूज, नागपुर।